नमस्कार मित्रों, अनमोल टीचर्स पर आज हम बात कर रहे हैं शाला दर्पण की रैंकिंग पैरामीटर को लेकर। बार बार हमें ऑफिस से ये मैसेज आता है कि उक्त विद्यालय निम्न पैरामीटर्स की पूर्ति 2 दिनों में करे। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और शाला दर्पण पर वो कहाँ ओपन होते हैं, जिनकी हमें समय समय पर पूर्ति करनी चाहिए। शाला दर्पण प्रभारी रैंकिंग पैरामीटर्स के लिए क्या अपडेट करें। पहला है एसएमसी एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन। अगर ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इसको हमें शाला दर्पण पर दर्ज करना होता है। दूसरा है पैन कार्ड की एंट्री। अगर आपकी शाला का पैन कार्ड बन गया है तो उसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पर करनी होती है। तीसरा है 80G एंट्री। अगर आपका 80G का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर नहीं भी हुआ है, आपने आवेदन किया है, तो उक्त स्थिति को हम हाँ या नहीं में अपने शाला दर्पण पर अपडेट करें। चौथा है टॉयलेट एंट्री। आपके टॉयलेट की स्थिति की एंट्री भी हमको शाला दर्पण पर अपडेट करनी होती है। पांचवा है 50,000 की एंट्री, यानी कि जो भामाशाह और जो भी हमारे विद्यालय में आए है उसका ब्यौरा हमको 50,000 तक का देना होता है। इसको हम एंट्री को कहाँ पर, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस एंट्री को हम कहाँ शाला दर्पण पर दर्ज करें। छठा है बाउंड्री वॉल एंट्री, इसकी भी हमें शाला दर्पण पर एंट्री करनी होती है। सातवा है रूम्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रूम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको शाला दर्पण पर करना होता है। आठवा है इंटरनेट एंट्री, इंटरनेट की स्थिति की एंट्री भी हमको शाला दर्पण पर करनी होती है। अब हम जानेंगे कि ये एंट्री हमको कहाँ कहाँ करनी होती है और ये शाला दर्पण पर ये मॉड्यूल कहाँ कहाँ ओपन। शाला दर्पण पर और भी काफ़ी अपडेट्स हमको करने होते हैं, लेकिन रैंकिंग पैरामीटर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 4 मॉड्यूल एसएमसी एसडीएमसी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड एंट्री, 80G एंट्री और 50,000 की एंट्री कम्युनिटी टैब में ओपन होते हैं, और 4 मॉड्यूल टॉयलेट एंट्री, बाउंड्री वॉल एंट्री, रूम्स डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनेट एंट्री नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र में ओपन होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि शाला दर्पण पर ये कैसे कैसे किस प्रकार से ओपन होते हैं और कहाँ हम इनकी पूर्ति करें। मैंने अपने स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से शाला दर्पण को ओपन कर लिया है। अब हमें स्कूल्स में जाना है। जैसे ही हम स्कूल्स पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है। हमको यहाँ कम्युनिटी टैब में जाना है। जैसे ही हम कम्युनिटी टैब ओपन करते हैं तो इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है। हमको यहाँ एसएमसी एसडीएमसी ईयरली डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और ये ऑप्शंस हमको नज़र आएंगे। हमको यहाँ नीचे जाना है। हमको यहाँ पर हमारे सभी सदस्यों की एंट्री पहले से ही की हुई मिलेगी, अगर आपने कर रखी है तो, अन्यथा इसको कर लें। और यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए सहकारिता विभाग में एसएमसी का पंजीकरण की स्थिति, इसको आप यहाँ दर्ज करें। अगर हाँ है तो उसकी डेट और उसके नंबर दर्ज करें। नीचे यहाँ पैन कार्ड की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दर्ज करनी है। तीसरे नंबर पर 80G के तहत आपको जो भी जानकारी है वो दर्ज करनी है, जैसे मैंने यहाँ प्रक्रियाधीन पर दर्ज कर रखी है। और नीचे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टैब ओपन होगा। यहाँ देखिए क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना बनाई है, हाँ या नहीं में उत्तर देकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ हम नीचे देखते हैं सेशन आ रहा है 2019-20। हमको यहाँ से नीचे त्रैमासिक योजना चॉइस करनी है। त्रैमासिक में हम देखते हैं यहाँ अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जो भी आपको एंट्री करनी है आपको वहीं पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ अप्रैल से जून पर क्लिक करता हूँ और सबमिट के बटन पर आपको
क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसको भी आपको त्रैमासिक रिपोर्ट जो बैठकों की है उसको भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब हमारा वो टैब ओपन होता है जहां पर हमको इस 50,000 की एंट्री करनी है। यहां आप ऊपर देखेंगे कि भामाशाह द्वारा दान कोष प्राप्ति व्यय का विवरण, विद्यालय में भामाशाह द्वारा दान की गई राशि। इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है 50,000 दर्ज करने का वो ये, यहाँ पर देखिए, भामाशाह द्वारा विद्यालय में उपलब्ध कराए अन्य किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधनों की कुल अनुमानित राशि। अगर हम यहाँ ये एंट्री कर देते हैं तो ना तो हमको इसको किसी कैशबुक में दर्ज करना होगा, यानी इसका हमें कहीं भी कोई बोरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप 50,000 की एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मॉड्यूल के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको यहाँ वापस स्कूल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्कूल पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का प्रपत्र हमारे सामने ओपन होगा। हम यहाँ देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट। जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट को ओपन करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने ओपन होगी। आपको यहाँ अनेक प्रकार के ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं। देखिए, जैसे यहाँ आप वॉल यानी दीवार से संबंधित जो एंट्री है वो कर सकते हो। यहाँ आप इंटरनेट से संबंधित एंट्री कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए आपको वही टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टॉयलेट से संबंधित एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ आप वाटर से संबंधित एंट्री कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इस मॉड्यूल को खोल के आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर इंटरनेट वाला टैब अपने आप ओपन हो जाता है। देखिए एम करके आया है इंटरनेट सुविधा का विवरण, उसको आप यहाँ दर्ज करके और सेव कर दीजिए। इस प्रकार आप अपने रैंकिंग पैरामीटर्स की पूर्ति कर सकते हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।